अपहरण के केस में फंसे एक व्यक्ति ने डीएम कार्यालय आजमगढ़ के सामने आत्मदाह की कोशिश की। मौजूदा पुलिस कर्मियों ने उसे हिरासत में ले लिया। उस व्यक्ति ने अपने ऊपर लगे मुकदमे को फर्जी बताकर सीबीआई जांच की मांग की थी। बता दें कि जहानागंज थाना क्षेत्र के लपसीपुर गांव निवासी सुरेश राम का कहना था कि एक व्यक्ति ने गुटबंदी करके अपहरण के मामले में गलत तरीके से थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। इस मुकदमे में जेल भी हो आया और भाई भी जेल जा चुका। सुरेश राम और उसका भाई दोनों अब जमानत पर हैं। जमानत पर छूटने के बाद सुरेश ने प्रधानमंत्री कार्यालय से सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन जांच अभी तक नहीं हुई। मुकदमे के चलते सुरेश का कहना है कि उसका काफ़ी पैसा खर्च हो रहा है, परिवार काफ़ी कर्ज में डूब गया है, इसके चलते पारिवारिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है। ऐसे मामले की जाँच सीबीआई से करना जरूरी है। सुरेश का कहना है कि उसके मामले की जाँच सीबीआई से कराना जरूरी है ताकि दोनों भाइयों को इंसाफ मिल सके। हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा है जो कि 2011 से चल रहा है और उसमें कोई निस्तारण नहीं हो रहा है, इसलिए हम कर रहे हैं। क्या करने जा रहे थे आज? आत्मदाह करने जा रहे थे। कब से परेशान है आप? हम तो 12 साल से परेशान हैं। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।